मार्च को मेरे खिलाफ एक एफआईआर होती है, 25 को मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, कस्टडी में ले लिया जाता है, और उसके बाद मुझे मुझ पर एनएसए भी लगाई जाती है बींग इन द जेल। के कथन में जो फरियादी हैं उन्होंने क्लियर बोला है कि पुलिस कमिश्नर महोदय ने आदेशित किया है एफआईआर करना। इसमें यू आर ऑन बेल? यस सर, मैं 48 दिन कस्टडी में रहा सर। क्लास वन ऑफिसर्स इन्वॉल्व है स्टेट के, कमिश्नर ऑफ पुलिस आईजी रैंक के अधिकारी हैं, डीएम जिन्होंने एनएसए लगाया था वो भी क्लास वन रैंक के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन सर? ऐसी घटिया टाइप की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्होंने फाइल करी है, नीचे चार्जशीट जिसमें 10 साल की सजा है 384-389 में, एक आई विटनेस है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है सर, वो भी कंप्लेंट का। व्हाट इज योर कंप्लेंट सर? मेरा कंप्लेंट ये है कि पुलिस ऑफिसर्स ने जो मेरी 10 पिटीशंस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जिसमें डिफरेंट पुलिस स्टेशंस इन्वॉल्व है, उसमें फॉल्स केसेस इम्प्लीकेट किए, मुझे इम्प्लीकेट किया गया है उसके संबंध में, पेंडिंग थी दो चीफ जस्टिस के सामने पेंडिंग। उससे 4 दिन पहले 24 मार्च को मेरे खिलाफ एक एफआईआर होती है, 25 को मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, कस्टडी में ले लिया जाता है, और उसके बाद मुझे मुझ पर एनएसए भी लगाई जाती है बींग इन द जेल। सेंट्रल गवर्नमेंट एनएसए को रिवोक कर देती है क्लियरली राइटिंग कि देर वॉज नो लीगल ग्राउंड टू इन्वोक एनएसए। और जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई 24 मार्च को भरकुआ थाने में, उसमें कुछ ऐसे सस्पिशन पॉइंट्स, कुछ ऐसे दस्तावेज निकल के आए जिससे ये प्रूव हो रहा है कि पुलिस ने कॉन्स्पिरेसी करके मेरे खिलाफ एफआईआर की है, और उसमें इंदौर के पुलिस कमिश्नर का क्लियरली नाम आया है, और इंदौर के पुलिस कमिश्नर की मैंने 10 मार्च को ही कंप्लेंट की थी चीफ मिनिस्टर महोदय को, और 164 के कथन में जो फरियादी हैं उन्होंने क्लियर बोला है कि पुलिस कमिश्नर महोदय ने आदेशित किया है एफआईआर करना वरुआ थाने का, 164 में लिखा है। लेकिन अगर साहब एफआईआर देखेंगे, मैंने चार्जशीट लगाई है, एफआईआर जो है वो आवेदन पे रजिस्टर्ड है, और आवेदन थाना प्रभारी महोदय को संबोधन है। Who has lodged the FIR against you? Sir, I don't know that person. I have never met that person. The person is some Vijay, son of Ramesh Rathore. Vijay Rathore, son of Ramesh Rathore. सर जहां तक मुझे पता चला है ये एक सब्जी बेचने वाला है सर, और ना मैं इससे कभी मिला हूं ना मैंने इसको कभी देखा है आज तक। रिलीफ ये है 13, what relief you want? सर रिलीफ ये है कि इसमें क्योंकि क्लास वन ऑफिसर्स इन्वॉल्व है स्टेट के, कमिश्नर ऑफ पुलिस आईजी रैंक के अधिकारी हैं, डीएम जिन्होंने एनएसए लगाया था वो भी क्लास वन रैंक के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन सर? ऐसी घटिया टाइप की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्होंने फाइल करी है, नीचे चार्जशीट जिसमें 10 साल की सजा है 384-389 में, एक आई विटनेस है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है सर, वो भी कंप्लेनेंट का दोस्त है। Yeah, what report has been registered against you? 384-389 सर, ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट डाली है मेरे खिलाफ। एंड सर द पॉइंट इज कि एफआईआर जो रजिस्टर्ड होती है वो बिना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मेरे खिलाफ रजिस्टर्ड हो जाती है 24 मार्च को, 28 मार्च को इतने इंपॉर्टेंट मैटर की कोर्ट में हियरिंग थी, 25 को ही मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है। एट व्हाट टाइम सर? 2:30 इन द आफ्टरनून, 3:15 पे अरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, 4:30 पे मुझे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, 5:00 में मुझे जेल में डाल देते हैं। दिस इज डिफरेंट मैटर या फ्रॉम दोज मैटर्स? हाँ, उसको दबाने के लिए मेरे खिलाफ एक नई एफआईआर की, बेसिकली कंटेम्प्ट का भी मामला बनता है, मैंने एडवोकेट जनरल साहब को लिखा है कि कंटेम्प्ट मूव करें। एफआईआर इज ऑन रिकॉर्ड? यस सर, पूरी चार्जशीट लगाई है मैंने। मैं मनीष माटा अपने आप को पत्रकार बताता है, बोलता है कि तू गांजा एवं दारू बेचता है, श्रीमान मेस्त्रा का कोई काम नहीं करता हूँ, मैं कोर्ट में एक तारीख पर कुछ दिन पूर्व गया था, उस वक्त मनीष माटा ने पत्रकार ब्रैकेट में लिखा सर, हमने मुझसे 2,000 रुपये मांगे जो मैंने दे दिए। कंटेंट एक्चुअली नहीं सर, नॉन बेलेबल है 389 इसमें। यू आर ऑन बेल? यस सर, मैं 48 दिन कस्टडी में रहा सर। सर बेल मिलने में इतनी परेशानी हुई क्योंकि एनएसए लगा दिया था उन्होंने, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आता है और बोलता है कि कोई ग्राउंड ही नहीं थे एनएसए के, डीएम की तो कॉम्पिटेंसी पूरी तरीके से चैलेंज हो चुकी है सर। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर मैटर, दिस इज फ्रॉम इंदौर, मलोट में केस इज रजिस्टर्ड एट इंदौर। यस मैम। सर इनकी ये जो बाकी जितनी भी चीजें हैं सर, नथिंग इज ऑन रिकॉर्ड सर, इट इज लाइक मेकिंग एलिगेशन ऑन एनी ऑफिसर एनी इन एनी मैनर विदाउट देयर बीइंग इवन अ सिंगल डॉक्यूमेंट
or iota of evidence sir, to show that anyhow these people are involved. Sir, document Malala, is... If such kind of allegations are allowed to be continued, well, with due respect. Sir, kindly see... All these officials are senior officials, my lord. Sir, I am presenting the proof. Page number 41 पे 164 के कथन है फरियादी के. सर काइंडली रीड, उसमें प्रूफ है. पेज 41. सर पहला पैराग्राफ देखें, ये कंप्लेनेंट का विजय पिता रमेश राठौर का नहीं लिखा है जो आप बताना चाह रहे हैं. सर दो मिनट बोलने तो दीजिए. सर अंडरलाइन करा हुआ है मैंने. आयुक्त के पास गया, उन्होंने बताया. हाँ, मैं श्रीमान आयुक्त के पास गया और बताया कि मनीष मुझे ब्लैकमेल करता है. नाउ द FIR इज रजिस्टर्ड ऑन द एप्लीकेशन विच इज एड्रेस टू द SHO. और सर एक और मेरे पास प्रूफ है, सिंगली डिपेक्ट्स दैट. मैं और प्रूफ देता हूं सर, टू रजिस्टर एन FIR. सर मैं और प्रूफ देता हूं. पेज नंबर 21 देखेंगे सर प्लीज. इसमें मेरे द्वारा 3 से 4 बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं इंदौर के, इनकी कंप्लेंट खुद पुलिस कमिश्नर को मैंने सौंपी है. सर मैं एक प्रूफ ये भी देता हूं कि मुझे मेरे वेलविशर ने, किसी पुलिस के वेलविशर ने मुझे ये बताया कि डिप्टी कमिश्नर साहब खुद आए थे थाने और उन्होंने रिपोर्ट लिखाई कंप्यूटर पर बैठ के और बोला बाद में साइन करा लेना. सर इसको कॉरोबरेट करने के लिए मेरी मदर ने मेरे कस्टडी में रहते हुए RTI एप्लीकेशन लगाई थाने में कि हमको CCTV फुटेज दो, तो दे नहीं रहे. सर क्या लिख रहे हैं कि संरक्षण अवधि से बाहर हो गया डेटा, लेकिन टाइम में लिख रहे हैं कि कितने संरक्षण अवधि का डेटा है. लेकिन सर मेरे पास 2016 की पेपर कटिंग पड़ी है दैनिक भास्कर की, जो मैंने लगाई हुई है, जिसमें तत्कालीन DIG ने बोला कि 30 दिन संरक्षण अवधि रहती है. सर चार्जशीट फाइल की गई है. मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने दो डेट बताई है फरियादी ने कि फलाना उस जगह पे मिला, इन्वेस्टिगेशन तो कोर्ट में है. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया. सर आई एम डिमांडिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन थ्रू एन SIT. मेक ए प्रेयर टू द कोर्ट, इट्स नाउ पेंडिंग बिफोर. सर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रेयर मजिस्ट्रेट कोर्ट में लग सकता है 173(8) में, बट SIT का पावर नहीं है सर मजिस्ट्रेट कोर्ट को. दैट इज पावर विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी. सर मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ कैन मेक एन इंक्वायरी. आप डायरेक्शन करते हैं सर ट्रायल कोर्ट को SIT करने का, तो मैं उधर चले जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. श्री मनीष माटा. सर मैंने कंपनसेशन भी मांगा है इल्लीगल कस्टडी का, इसमें एक रिलीफ वो भी है सर, है इसमें पेयर कंपनसेशन का करना पड़ेगा. सर NSA के लिए मांगा है. सर NSA तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिवोक कर दिया, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर लिखा तभी तो मुझे छोड़ा सर उन्होंने. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर लिखा है सब्सटेंशियल CRPC में ऑलरेडी प्रोसीजर है, NSA लगाने का कोई वो नहीं था. वो क्लब कर दिया आपने, उसको अलग से आपको लिबर्टी दे देते हैं, वो अलग से लगाई है. सर मेरा ये उसकी अथॉरिटीज अलग होती हैं, कलेक्टर पास करता है ये, इसमें ना तो कलेक्टर पार्टी है ना कुछ है. सर होम सेक्रेटरी पार्टी है ना सर. अरे होम सेक्रेटरी कौन पास करता है भाई. सर अभी 3 दिन पहले सर एक पिटीशन आपके यहाँ लगी थी, उसमें कलेक्टर था, आप बोले कि कलेक्टर को पार्टी में बनाओ, होम सेक्रेटरी को बनाओ. अब मैंने इसमें होम सेक्रेटरी बनाई है तो मुझे बोल रहे कलेक्टर को बनाई, मैं कहाँ जाऊँ सर, मुझे बताइए. स्टेट इज नॉट मेड पार्टी थ्रू कलेक्टर. कलेक्टर मे बी मेड इंडिपेंडेंटली पार्टी. स्टेट इज मेड पार्टी थ्रू सेक्रेटरी. ओनली इन द सिविल सूट्स स्टेट इज मेड पार्टी थ्रू कलेक्टर. सर मेरा एक निवेदन ये है, यू आर अपीयरिंग इन पर्सन, वी आर नॉट अडॉप्टिंग टेक्निकल अप्रोच, वी आर गिविंग यू लिबर्टी, मेक ए सेपरेट काज ऑफ एक्शन. दिस इज सेपरेट. यू आर क्लेमिंग कंपनसेशन फॉर योर डिटेंशन इन द NSA. डिफरेंट अथॉरिटीज आर देयर, वी विल गिव यू लिबर्टी फॉर दैट रीड. सर सो फॉर द क्वेश्चनिंग ऑफ द चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीट cases concern, this can't be done in the writ petition. Sir, SIT का power magistrate court को नहीं है सर. It is high court को पड़ी. Magistrate himself can make power. Sir, अगर आप direction दे दें तो मुझे, मैं वहाँ approach कर लूँ.